जर्नल चैनल में आपका स्वागत है। बाइक जर्नल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आए हैं फिर दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस का विवरण जानने के लिए। देखिए यह लोकेशन दौसा जिले के नंदेड़ा गांव की है। ये देखो इधर मिट्टी डल रही है अभी, मिट्टी है। देखो दोस्तों आज इस पेड़ को काट दिया क्योंकि यह पेड़ बीच में आ रहा था। अब बकरियां इस पेड़ का मज़ा ले रही हैं। ये देखो फ्रेंड्स, आपके लिए लाए हैं दिल्ली टू मुंबई रोड की वीडियो और इसमें हाईवे की वीडियो कि इसमें बताएंगे हम। ये कान खा तक पहुँचा है आज अच्छा। ये देखो ये ट्रक रोड़ियाँ ला रही हैं, इधर तो मिट्टी पटकी जा रही है और आगे रोड़ियों को काम चल रहा है। अब हम आपको उधर ले जाके भी बताएंगे कि रोड़ियों का काम कैसा चल रहा है और कहां तक पहुंच गया। अभी दिखाएंगे, अभी हम दूर हैं और ये हमारा गांव है। देखिए ये हमारा गांव है, इधर हमारे घर हैं हाईवे के जस्ट बगल में ही। और हम आपको एक सूचना और दे देते हैं महत्वपूर्ण, हाईवे के पास की जो ज़मीन है कम से कम 500 मीटर दूर तक की ज़मीन में फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी और शायद कुछ रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा सब कुछ बनाए जाएंगे इधर, जिससे यातायात को कोई असुविधा ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इधर, अब दिखाते हैं हम आपको कितना काम हो चुका। ये देखो जेसीबी चल रही है, रोड़ियाँ बिछाई जा रही हैं। अब हम आपको आगे ले जाते हैं। ये देखो उधर मशीनें हैं, उधर हम आपको लेके जाएंगे और फिर देखना कि कितना काम हो चुका। तो वो रोड लग रहा है रियल। ये देखो फ्रेंड्स जेसीबी अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। ये 8 लाइन हाईवे है, हम आपको बता देते हैं। और हर 50 किलोमीटर के दायरे में एक पेट्रोल पंप, एक रेस्टोरेंट और एक बस, यही और कुछ नहीं बनाए जाएंगे, बस यही बनाए जाएंगे, एक पेट्रोल पंप एक रेस्टोरेंट। और इसमें 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई। ये देखो इधर भीड़ भी हैं, हम आपको बता देते हैं भीड़। हम आपको हरियाली दिखाते हैं फ्रेंड्स, अब आपको हम भीड़ दिखाएंगे और हरियाली भी दिखाएंगे। ये भीड़ है, ओहो चल के देखो। हाय फ्रेंड्स, अब आपको दिखाते हैं भीड़ और हरियाली दिखाएंगे हम। हमारी चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना। आ जाओ देखिए फ्रेंड्स, इधर रोड़ियाँ बिछा दी गई है और इधर भी रोड़ियाँ बिछा दी, इधर भी रोड़ियाँ बिछा दी, लेकिन इस रोड़ी में और इस रोड़ी में बहुत अंतर है, देख सकते हो आप, रात दिन का अंतर है। ठीक है सर, और हम आपको बता दें ये गांव है, इधर भी ये गांव सब जाएंगे क्योंकि 500 मीटर के दायरे में आ रहे हैं ये गांव। इधर सामने ये देखो, सामने भी दूर है, अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे तो हम आपको बता देंगे। और ये देख लो इधर, हम पहले क्रिकेट खेलते थे मज़े से, मज़ा आता, मोजा इसे हम बोलते हैं। इस रोड़ियों का अंतर मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये रोड़ियाँ हैं और इसके ऊपर कुछ बुरादा लगाया गया है, ईंट का बुरादा, और ये रोड़ियाँ। ठीक है गाइस, और हम आपको आगे चल के बताते हैं कि कैसा काम चल रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, तो अभी देखिए। देखिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मशीनों के पास, अब हम आपको दिखाएंगे मशीन। ये देखिए मशीन,
देख ढोलक चल रहा है वो उधर, देखो इधर काम करवाने वाले हैं, काम कैसा हो रहा है ये जांच करते हैं इधर। और ये रोड़ी बिछाने की मशीन है, ये जो आप देख रहे हो ये लोलर है। ये रोलर का पता नहीं है, ये औंधा है सीधा है, पता नहीं क्या है। पीछे तो आगे का वो फ्रंट वाला पोर्शन दिया नहीं, अब सीधा चल रहा है ये देखो। पीछे तो फ्रंट वाला पोर्शन दे रखा जो कारों में होता है वो नट दे रहा है। ये देखिए ट्रक है जो रोडिया लेके आए हैं प्लांट से। अब हम आपको बताते हैं अंडरपास ये काम चल रहा है इधर। अंडरपास का काम चल रहा है। तो देखिए ट्रकों में माटी यहाँ से ले जा रहे हैं। ये देखिए ये अंडरपास है ना भाई, उस पे और रोड ही चलेगी, ये फिर भी कमी है। ये देखो बारे में मैं लग रहा है ना गाड़ी में। हां ये देखिए मशीन इस तरफ से दूसरी तरफ जा रही है अंडरपास। ये अंडरपास है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है मशीन। एक तरफ तो रोड़ियाँ बिछा दी गई हैं, अब दूसरी तरफ रोड़ियाँ बिछाएंगी ये मशीन। वो डूंगरी है हमारी, देखो उधर उधर दिख रही होगी आपको, उधर ऊपर मंदिर है, उसका वो झंडा लग रहा है। उधर मंदिर है, हम उधर जाते हैं डूंगरी पे। उधर मेला भी लगता है, उधर मेला भी लगता है, जब मेला लगेगा आपको भी दिखाएंगे। अभी तो कोरोना चलता है, अभी तो कोरोना चल रहा है इसलिए हम उधर कुछ भी नहीं हो सकता। ये देखिए पीछे काम चल रहा है, पीछे मशीन है, पीछे मशीन है।